अले भाई साहब ये क्या है, क्या है? कौन कौन भाई साहब, लगता है किंग गेमर का ही होगा। उनके पास इतने पैसे है कि पैसा हाथ का मेल है। ये है उनका आलीशान महल जो इसमें वो रहते और वो हमेशा दोस्तों की मदद करते हैं। ये है रियल किंग गेमर। उनके पास पतिया झोपड़ी है, उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं, साला भिखारी। नेक्स्ट। ये है किंग गेमर टू। ये उनका आलीशान महल। जिनके पास इतने पैसे परंतु पैसे के मामले में बिल्कुल कंजूस है और सिटी में वो रहते हैं। तो इनकी शुरुआत होती है एक स्टोरी से। आइए देखते हैं, बैठ चल मजा आएगा। किंग गेमर, ओ किंग गेमर, लगता है ऊपर होगा, चलो देख के। अरे भाई साहब ये क्या है, खून। भाई साहब लगता है किंग गेमर का ही होगा। नहीं है वो, लगता है पुलिस को फोन करना पड़ेगा। सर 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 सर, जल्दी से कटाइए, अपनी गाड़ी चलाइए फटाफट से सर। यार सीरियस मैटर है, मेरे को इंडिया भी वापस जाना है। और यार ये मेरा दोस्त की क्या हालत हो गई है सर, जल्दी से देखिए ये भाई। ओ भाई साहब इतना सारा खून है, लगता है किसी ने चाकू से नहीं सर, पहले तो नहीं टूटी हुई थी, लगता है अभी टूटी है। तो लगता है यहाँ से चोर भागा होगा। तो मेरे को ये केस सॉल्व करने के लिए आप सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे और फिंगरप्रिंट टेस्ट करके देखते हैं कौन निकलता है चोर। ओके सर, जो है सबके फिंगर, सब जो जो आपके घर में रहते हैं उनको बुला लो और सबके फिंगरप्रिंट मेरे को लेने पड़ेंगे, ठीक है? आपको भी देने पड़ेंगे अपने फिंगरप्रिंट। तो हम दोस्त थे और यहाँ पे नौकर थे काम करने वाले, और कोई नहीं आ सकता था, ये सिक्योरिटी हाउस था। तो सर ये तीनों के तीन नौकर तो सुनिए सर, हुआ यू कि हम तीनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम समर वैकेशन में जाएंगे दुबई। दुबई को हम जाएंगे प्राइवेट जेट में। तो हम लोगों ने तय किया कि कल सुबह आ जाना है एयरपोर्ट और मिलते हैं वहाँ पे। वो भी अपना प्राइवेट जेट लेके आ चुका था और हम भी अपना प्राइवेट जेट लेके आ चुके थे। दुबई पहुंचने के बाद हम तीनों ने कर दी टैक्सी बुक, एंड मेरा प्राइवेट हाउस था दुबई के पास में, तो हम तीनों वहाँ पे चले गए। और सब लोग ने अपना एक एक करके लगेज ट्रांसफ़र कर दिया था। फिर हम तीनों फ्रेश हो गए, रात को सो गए, और फिर अगली सुबह हम तीनों ने मिलके ये प्लान बनाया कि चलते हैं पेरिस घूमने के लिए। बट किंग गेमर ने ये कहा कि ठीक है तो तुम यहाँ पे रहो और रेक्स लो, और हम दोनों चलते हैं पेरिस घूमने के लिए, चलो रियल किंग ब्रो। फिर हम दोनों चले गए पेरिस घूमने के लिए, बाय ब्रो। तो मैं और मेरा दोस्त रियल किंग गेमर दोनों पेरिस देख के आ चुके थे, और वापस आकर ऊपर देख गए तो हमने देखा कि उसका मर्डर हो चुका था। क्या क्या क्या, किसका नाम बोला आपने अपने दोस्त का नाम? रियल किंग गेमर। लगता है वही खुई होगा, आपने पहले नाम क्यों नहीं लिया था? उसको बोलना कि हमारे पुलिस स्टेशन आके फिंगरप्रिंट दे जाए, ठीक है? फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आ चुका है, तो रियल किंग गेमर को आपने बुला लिया ना? साइलेंट गेमर। हाँ सर, वो अभी आता ही होगा। लो आ भी गया सर। तो साइलेंट गेमर, मैं जो फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट लेकर आया था उसमें रियल किंग गेमर का फिंगर मैच हो चुके हैं। तो क्या रियल किंग बग आपने खून किया है? बताइए, सच बताना, ठीक है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया, वो किंग गेमर का, वो तो मेरा दोस्त जैसा है, तो मैं वो दोस्त का खून क्यों कर सकता हूँ? कुछ तो गड़बड़ है दया,
कुछ तो गड़बड़ है, सीसीटीवी कैमरा चेक करना पड़ेगा। सालेंद्र आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है? ब्रो मैं अभी वॉशरूम तो क्या आता हूँ, ठीक है? ओके ब्रो जाओ, अब सर मैं अभी सीसीटीवी कैमरा ऑन करता हूँ, लीजिए। साला भिखारी आ गया है, चलो अबे सौ भिखारी कहीं का भिखारी, कुछ कुछ पता है भिखारी कहीं का। ओह माय गॉड, इसने मारा था मेरे ब्रदर को। भाई साहब ये ऐसा नहीं हो सकता सर यार। चलो चलो जल्दी पकड़ो यार, लगता है भाग तो गया है। चलो चलो जल्दी गेम, ओए रुक जा रियल गेम, कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। देखो गोली भाग रहा हूँ, लेकिन किसे पकड़ना है तो पकड़ ले, मैंने कौन किया है उसका। साला भाग गया, चल बाहर निकल। क्यों उसका तूने खून किया? बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बता। बताता हूँ, जब हम समर वैकेशन का साइलेंट गेमर तीनों हम कर रहे थे, तब वो मुझे भिखारी भिखारी कर कर और हमारे दोनों के बीच हाथापाई हो गई थी। और मेरा वहाँ पर मैं उस साइलेंट गेमर में बताया था, पर मुझे उससे खून भी निकल गया था मेरा काफ़ी सारा। हमारे दोनों के हाथापाई हो गए थे, फिर हम उस हॉस्पिटल, तभी मैंने सोचा कि उसको किसी भी तरह की हम मैं उनको बदला लूँगा, तो मैंने उसका खून कर दिया। तूने तो मर्डर किया है, तूने तो फांसी होगी, फांसी। हाँ जी हाँ, फांसी।